परम पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश के शहर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर दिन बुधवार माँ नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित विष्णु वराह भगवान की नगरी से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर इंझा नामक गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता के दैवीय संस्कारों में पले बड़े महाराज जी अत्यंत सरल वृद्धभाषी और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। बाल्यकाल से ही महाराज जी अपने ही गांव के राधा कृष्ण मंदिर पर नित्य जाकर ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते थे और अपने पारंपरिक गौ भक्त परिवार होने के कारण गौ माता की सेवा में हमेशा आनंदित रहते थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। जब महाराज गाय चराने के लिए जाते तो अपने साथ श्री हनुमान चालीसा और श्री भागवत पुराण हमेशा साथ लेकर जाते थे और जिसका वे नित्य पाठ किया करते थे और अपने सखाओं से भी पाठ कराया करते थे। इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने के कारण महाराज श्री को श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपनी अल्प आयु में ही महाराज जी ने बहुत ही कम समय में सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। महाराज श्री जी की दीक्षा श्रीधाम वृंदावन में रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही ठाकुर जी के परम कृपा पात्र परम तपस्वी और तेजस्वी संत श्री गिरिराज जी महाराज जी से प्राप्त हुई। साथ ही महाराज जी ने अयोध्या से श्री राम कथा का अध्ययन अंजनी गुफा वाले जी से प्राप्त किया और तत्पश्चात अध्ययन संपूर्ण करने के बाद अपनी जन्मभूमि में ही प्रथम बार अपनी मधुर वाणी ने श्री हनुमान जी महाराज जी से आशीर्वाद लेने हेतु कथा सुनाई। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लेकर समस्त भारतवर्ष में सनातन धर्म का ध्वजा लहराते हुए लोगों के जीवन की दिशा और दशा बदलने हेतु इस भक्ति पथ पर निकल पड़े और बाहर निकलकर महाराज जी ने मात्र शक्ति को उनके अपनों के द्वारा दुखी और सताया हुआ देखा तो महाराज जी के मन में समस्त मातृ शक्ति की सेवा का ऐसा भाव प्रकट हुआ जहाँ वो सभी माँ एक साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकें और किसी धाम में भक्ति करके इस जीवन को भी सफल बना सके। और फिर एक दिन इसी भाव में एक जीवंत रूप लिया और फिर साल 2019 में श्री धाम वृंदावन में वृद्धा आश्रम की ऐसी नींव रखी गई जहां संपूर्ण विश्व सेना से जुड़कर सभी माताओं की सेवा कर सके और वृंदावन में आकर पुण्य भी अर्जित कर सके। उसके बाद भी सेवा का ये भाव रुका नहीं बल्कि कोरोना जैसी भीषण आपदा में वो की धार्मिक और सामाजिक मदद के लिए वे आगे आए और सभी जरूरतमंदों के घर जाकर जरूरत का खाते सामान उनके घर पहुंचाया और वृंदावन में गौ माताओं बंदरों और अन्य जीवों के लिए भी नित्य खाने का सामान बंटवाया और इसके साथ ही वृंदावन में नित्य हजारों संत और जरूरतमंदों के लिए प्रारंभ हुआ गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र जहाँ से नित्य सबको भोजन प्रसाद मिलने लगा। पर यह सब करने के बाद भी महाराज जी को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने एक ऐसी रसोई की सेवा प्रारंभ कर दी जिसमें सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों के लिए भोजन एवं प्रसाद की अति उत्तम व्यवस्था निःशुल्क की जाती और इसके अलावा अन्य सेवाओं के साथ जो महाराज जी जनमानस कल्याण करते हुए पूरी दुनिया को सनातन धर्म से जोड़ने का अनूठा प्रयास कर रहे। तो आइए हम भी इस पावन मुहिम का हिस्सा बने जो स्वर्ण अक्षरों में एक दिन इतिहास में जरूर लिखा जाए।